और पुलिस वालों ने भी कि हमें अपने हमारे बहन से मिलने नहीं देने गया मिलने नहीं देते थे, बात नहीं करने देते थे, और हमको ये तक बोल दिया गया था कि आपको डॉक्टर से बात करने का भी हक नहीं है। और पुलिस वाले पूरा पूरा उन लड़कों का साथ देना, उनको छुड़वाना चाहते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने तौर पर एक जमात है, और जमात हर नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेगी, हर बहनों के साथ बच्चों के साथ जमात खड़ी है। और ऐसे मामले में जब एक भाई अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस के पास जाता है, तो पुलिस का ये फर्ज बनता है, ये जिम्मा बनता है कि आपके जो प्रोटोकॉल है, वो विक्टिम है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है, गैंग रेप को छुपाने के लिए, क्योंकि असल में वो नशे के हालत में उससे रेप किया गया। तो कि इन हालात में जहाँ पर ना इंसाफी नहीं हो रही, इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, आप पर दबाव बनाया जा रहा है, उस मेडिकल रिपोर्ट में भी हेर फेर हो सकती है। जी, रिपोर्ट में हेर फेर लोग बहुत करना चाह रहे हैं। फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल और आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम बाहर मौजूद है बांद्रा कोर्ट के। जैसे कि आपको पता होगा कि वाकोला पुलिस स्टेशन के हद में कल एक रेप का मामला सामने आया, और ये रेप हुआ 2 तारीख को 3 तारीख को FIR दर्ज की गई, और उसके बाद में बच्ची के साथ में जो नाइंसाफी हुई इस बम्बई पुलिस की नाक के नीचे, जहां पर हम देखते हैं कि दिल्ली से लेके मुंबई तक, मुंबई से लेके पुणे तक इस तरह के रेप के वाकयात लगातार हो रहे हैं, और मासूम बच्चों की जिंदगियों को के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, वहीं आरोपियों को बचाने की भी कोशिश की जा रही है। इसी तरह का एक मामला जो है वाकोला पुलिस स्टेशन के हाथ में आता है। हमारे साथ में उस बच्ची जिसका नाम हम नहीं बताएंगे, हम बताना भी नहीं चाहेंगे, निर्भया केस के ऐसे वाकयात लगातार हो रहे हैं। मुंबई में पिछले दिनों साकी नगर में एक निर्भया केस हुआ, और एक तरह से यहाँ भी निर्भया केस की तरह ही एक मामला है जहाँ पर रेप हुआ। ये और बात है कि उस लड़की की जान बच गई, जिसका हम बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसकी लड़की की जान बच गई, लेकिन उसके साथ में 2 लड़कों ने मिलकर रेप किया, जिनका नाम है अंकित और करण, और ये लड़की के भाई यहाँ मौजूद है। आपका नाम बताइए। अल्ताफ नाम है मेरा। आपका नाम अल्ताफ है। अल्ताफ भाई, ये पूरा मामला क्या है, बहुत ही यानी तफसील से आप बताएं, लेकिन मुख्तसर वक्त में सारी बात आ जाए। जी, 2 तारीख को ये वाकया हुआ है, सितंबर के 2 तारीख को दोपहर 4 बजे से मेरी बहन मिसिंग थी घर से। हम लोगों ने काफ़ी ढूंढमढ़ानी किया, हमें नहीं मिली, तो हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए गए, तो वहाँ पे हमें हमारी कंप्लेंट नहीं ली गई। हमें बोला तुम बाहर रुको, हम कंप्लेंट करेंगे, FIR लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हम इधर उधर बहुत भटकते रहे, परेशान हुए, हम अपने एरिया में गए, हमने वहाँ के लोगों को इन्फॉर्म किया कि ये बच्ची अगर मेरी बहन अगर कहीं आपको मिले या दिखे तो आप प्लीज़ हमें बताना। उसके बाद हम रिटर्न जब पुलिस स्टेशन गए, तभी भी हमें बोला गया कि आप खड़े रहो, चौकी की तरफ से, पुलिस स्टेशन की तरफ से हमें कोई एक्शन नहीं मिल रहा था। तो हमने इलाकों जो एरिया के सपोर्टर लोग उनसे मदद मांगी, तो वहीं के जो 2 लड़के थे वो पकड़े गए। मेरी बहन जब बरामद हुई तो उनको दूसरे लोगों ने लाया था दवाखाने में, हॉस्पिटल में, रात के 1 बजे मिली मेरी बहन। कौन से दवाखाने में? जनरल वी एन देसाई हॉस्पिटल में। जनरल वी एन देसाई हॉस्पिटल में मिली, तो बहुत बुरी हालत में थी वो, और उसी ने ही उन 2 लड़कों का नाम मेंशन किया, बताया हमें वाकया पूरा वारदात बताई कि मुझे सूंघा, पाउडर वाउडर कुछ सूंघा के मेरे साथ गलत करा गया। बच्ची का बयान कब लिया गया? बच्ची का बयान हॉस्पिटल में आने के 1 घंटे बाद उसका बयान लिया गया, क्योंकि वो काफ़ी हालत ठीक नहीं थी उसकी, तो हमें थोड़ा रुकने के लिए बोला गया था, तो उसने होश में आने के बाद उसने हमें सारा स्टेटमेंट दिया। लेकिन जब पुलिस वालों ने स्टेटमेंट लेना शुरू किया तो हमें काफ़ी उलझाया उस बारे में, और हमारा स्टेटमेंट नहीं ले रहे थे। बच्ची को भी और एरिया वालों ने मिलकर हम पे काफ़ी, और पुलिस वालों ने हम पे फोर्स किया कि आप लोग आरोपी पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और वो 14 साल की बच्ची जो है मेरी बहन, वो झूठ बोल रही है। तो हमने इस बारे में उनसे काफ़ी दरख्वास्त की कि हम इतनी सी बच्ची कैसे आपको झूठ बोल सकती है। तो उसके 3 दिन बाद हमारा जो है, 3 दिन बाद हाजी अब्दुल साहब शेख जो है, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, उनके वजह से हमें FIR की कॉपी मिली 3 दिन बाद। जी, मेडिकल, बच्ची का मेडिकल हुआ हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में? जी, उसका मेडिकल के लिए उसको रखा गया, तकरीबन 16 दिन हॉस्पिटल में थी, और 16 दिनों में पुलिस वालों ने हम पे काफ़ी सख्ती करी, और पुलिस वालों ने भी कि हमें अपने हमारी बहन से मिलने नहीं देने गया मिलने नहीं देते थे, बात नहीं करने देते थे, और हमको ये तक बोल दिया गया था कि आपको डॉक्टर से बात करने का भी हक नहीं है। और पुलिस वाले पूरा पूरा उन लड़कों का साथ देना, उनको छुड़वाना चाहते। उसमें कई दफ़े उन्होंने एक ही स्टेटमेंट को काफ़ी
डिस्टर्ब करने की कोशिश की, बार बार हमसे स्टेटमेंट लेते थे आके, और मेरी बहन से ये बोला गया कि आप जो आपको पाउडर सुंघाया गया है आप उसके बारे में अपने भाई से बात ना करें, वो हम देख लेंगे। तो का जो कि अपने स्टेटमेंट में ये बात वहाँ पर बताई कि पाउडर सुंघाया गया। जी, पुलिस वालों को मेरी बहन ने बताया जबकि मुझे पाउडर वगैरह सुंघाया गया है तो उसे मना कर दिया गया कि आप उस FIR में जिक्र है इसका। जी, FIR में जिक्र नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जब मुझे पता चला, जब मैं उसे एक दो दिन बाद मिला दवा खाने में, तो उसने मुझे सब सच्चाई बताया कि पुलिस वालों ने मना किया है कि पाउडर सुंघाया है या ऐसा कुछ बोलना नहीं अपने भाई को, वो हम देख लेंगे। और उसे काफ़ी डिस्टर्ब करके रखा था। ये बताइए, जो मेडिकल हुआ उसमें रेप का जिक्र है क्या भाई, रेप हुआ इसके साथ में? जी जी, उसमें जिक्र, मतलब हॉस्पिटल वाले भी थोड़ा मतलब लाइटली काम कर रहे थे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे थे ज़्यादा, लेकिन हमने जहाँ तक हमारी कोशिश थी, जितना बच्ची से हमने पूछा वो हमने पूरा स्टेटमेंट और जो भी मेडिकल चेकअप था उन लोगों ने 15 दिन में पूरा स्टेटमेंट के बेस बच्ची ने ये कहा कि मेरे साथ में रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, हॉस्पिटल में अपनी मेडिकल रिपोर्ट में वो दर्ज किया है। जी जी, वो रिपोर्ट में दर्ज हुआ है बाकायदा। और अभी आप लोग के पास में? जी, हमारे पास में नहीं है, वो उसकी एक छोटी सी कॉपी दी गई थी, वो बोले जो बड़ी कॉपी रहेगा, जो मेन जो उसका फॉरेंसिक लैब जो रिपोर्ट होता है वो आपको जज के पास जाएगा, आपको नहीं मिल सकता। या आपको ऐसा लगता है कि इन हालात में जहाँ पर नाइंसाफी नहीं हो रही, इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, आप पर दबाव बनाया जा रहा है, उस मेडिकल रिपोर्ट में भी हेर फेर हो सकती है? जी जी, रिपोर्ट में हेर फेर लोग बहुत करना चाह रहे हैं और हम पे काफ़ी दबाव है, हमें कैसे मान लो आम लोग सर, हमें कोई मदद नहीं मिल रही थी, तो हाजी अब्दुल साहब जो है उनके साथ में रफत भाई जो है वो हमारी मदद के लिए आए थे। जी, तो आज कल छुट्टी, हमें हॉस्पिटल से छुट्टी ली गई थी जो है 2 और 3 तारीख से है, लेकिन हाजी अब्दुल हमीद वगैरह जो है इन पर कल केस बनाया गया, इतना दिन बीच में 14-15 दिन क्यों मतलब वो जाए हो गए? हॉस्पिटल में ये भी गलती, उन लोगों ने हमें परेशान किया कि 3 दिन पहले डिस्चार्ज दे चुके थे हॉस्पिटल से, जब हमने बोला गया हमें ना पुलिस कांस्टेबल जो वहाँ पे ऑन ड्यूटी पे थी ना उसने इस बारे में बताया, ना हॉस्पिटल वालों ने इस बारे में कुछ बोला। हमने काफ़ी उन पर बातचीत करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि पेशेंट को 3 दिन से छुट्टी दे चुके हैं तो भी ये लोग छोड़ना नहीं चाह रहे, तो हमने बड़े सीनियर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें इग्नोर करना चाहा, और उसी टाइम जो पुलिस ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर है वो वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने बोला कि लड़की छूटेगी तो आप उसे हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन लेके आइएगा। अच्छा। फिर उसके बाद हम अपने कांस्टेबल को साथ में भेज के उसको घर पे आपके साथ में उसको घर छुड़वा देंगे, झूठ बोल के हमें पुलिस स्टेशन बुलाया गया सर। और उसके बाद जो है मेरी बहन को अकेले ऊपर कैबिन में ले जाके उससे काफ़ी उसको टॉर्चर करा गया, FIR बदलने के लिए स्टेटमेंट के लिए अंदर गड़बड़ करना चाहा इन लोगों ने, और मुझे खड़ा कर दिया लगभग आधा घंटा। जब मैं बहुत परेशान हुआ तब मैंने अब्दुल अजीज साहब को रफत भाई को बुलाया जब फ़ोन करके, तो वो आए मेरी मदद के लिए, तो उन्होंने भी ये सवाल किया कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका ये कानून गलत है कि 7 बजे के बाद लेडीज़ को अलाउड नहीं है, जो छोटी बच्ची अभी तक 9:30 बज गया आपने इसको छोड़ा क्यों नहीं घर पे अभी तक? तो पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की, हमें चिल्लाया, हमारे आँख पे चिल्लाया। हमने जानते आप पुलिस ऑफिसर कौन था उसकी बदतमीजी? उनका नाम सर गोविंद गोविंद करके है, गोविंद बाबूराव करके ऑफिसर है, वाकोला पुलिस स्टेशन के हैं वो। तो उन्होंने डायरेक्टली हम पे लाउडली चिल्लाना शुरू कर दिया, कौन हो, आईडी कार्ड दिखाओ, ये वो, और चलो बाहर गेट आउट, ये सब हमें कौन है, बाहर निकलो बाहर निकलो, हमें बहुत बेइज्जती से बाहर कर दिया गया। और उसके बाद 2 घंटा हमें चौकी के बाहर हमें इंतज़ार करवाया, और 2 घंटे बाद बिना मेरी परमिशन लिए, बिना मुझे इजाज़त लिए मेरी बहन को वैन में डाल के उसे कहीं ले गए सर। और मेरी बहन अभी तक मिसिंग है, ना पुलिस वालों ने इस बारे में बताया मुझे, ना मेरी बहन अभी तक मुझे मिली है। आपको पता नहीं अभी तक आपकी बहन कहाँ पर है? जी नहीं, मुझे नहीं पता है पुलिस वालों ने अभी तक। इसके हॉस्पिटल में कोई इन्फॉर्म नहीं किया आपको? जी नहीं, मैंने कंप्लेंट भी करा था कल इस बारे में पुलिस स्टेशन में 100 नंबर पर कॉल लगा के, तो उन्होंने कहा सर वो हमको नहीं पता, आप वहाँ जाके बात करिए, ये वो सब, तो लोग काफ़ी हमारे साथ धोखा कर रहे हैं सर। हाजी अब्दुल हमीद और हाजी रफत पर जो केस बना है, FIR बना है, उसकी क्या वजह है? पुलिस का इल्ज़ाम है कि उन लोगों ने पुलिस पे हाथ उठाया। जी वो झूठा इल्ज़ाम है, वो मदद की दरकार, हमने जो मदद मांगी थी वो हमारी मदद करने के लिए आए थे सर, और जब उन्होंने उनसे पूछने लगे कि बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो आप और कहाँ है कहाँ ले, तो उन्होंने वैन भगाया, तो ये उनके पीछे जाने लगे, ये अपनी गाड़ी के पास पहुँचे तो इनको ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने बोला पकड़ो पकड़ो, और इनको मारना शुरू कर दिया उधर ही, और इन्हें सर गाड़ी से निकाल के मारा गया बाकायदा, जो हमारी मदद करने आए आप उनको मार पीट रहे हो।
आप चाहते तो हमें सब सॉल्यूशन दे सकते थे, लेकिन पुलिस वालों ने स्टार्ट से लेकर एंड तक केस में हमें कोई अमित को जो मारा गया, हमने तस्वीर देखी, उनके नाक में जो खून बह रहा है, आप उसके चश्मदीद गवाह है, आपने ये सारा माजरा अपने सामने देखा आपने? जी, मेरे नजरों के सामने हुआ ये, क्योंकि मैं वही मौजूद था। वो जब वो गाड़ी की तरफ अपने दौड़े तो गाड़ी में बैठे ही थे, उनको गाड़ी से बाहर निकाल के मारा गया जोर जबरदस्ती, क्योंकि हम लीगली बात कर रहे थे कि हमारी बहन को कहाँ ले जाया जा रहा है, कोई बताने तैयार नहीं सर, तो कोई तो मदद करने के लिए आया है तो पूछेगा ही ना सवाल, लीगली सवाल पूछा गया आपसे कि बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो, तो आप लोग फोर्स को जितने आपके आसपास के सिविल पे खड़े थे सबको आपने बोला जाओ पकड़ो पकड़ो और मारो, तो ये सर कोई बात नहीं होती है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है सर। ये थी दोस्तों उस विक्टिम की, उस मासूम बच्ची के भाई की रुदात, जो गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे मेरी बहन से मिलाओ, मेरी बच्ची से मिलाओ, लेकिन ये पुलिस स्टेशन जो नाम आ रहे हैं, जो उन्होंने नाम बताया है, ये चंद ऐसे पुलिस ऑफिसरों की वजह से पूरा मुंबई शहर का पुलिस महकमा जो बदनाम होता है, और ऐसे ऑफिसर पुलिस पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। यह कमिश्नर साहब का काम है, इस महाराष्ट्र के CM साहब का काम है कि ऐसे ऑफिसरों के खिलाफ जो है जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उसकी छानबीन की जाए, और छानबीन के बाद में उसका सख्त एक्शन लिया जाए। हमें यह भी पता चला कि जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबरान यहाँ पर खास तौर से फैयाज अहमद खान और दूसरे लोग यहाँ इनकी मदद को आए, तो उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक किया गया। हमारे साथ मौजूद है MIM पार्टी के मुंबई के प्रेसिडेंट फैयाज अहमद खान, जो कि एक MLA रह चुके हैं, जो कि एक नगर सेवक रह चुके हैं, जो कि अवामी नुमाइंदे हैं, वो एक बड़ी शख्सियत है, जिम्मेदार शख्सियत है। उनके साथ में भी पुलिस का व्यवहार गलत होता है, पुलिस को ये समझना चाहिए कि ये जो समाज के नुमाइंदे हैं वो समाज की नुमाइंदगी करते हैं, समाज के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। आज फैयाज अहमद खान भी इस वक्त जो है यहाँ बांद्रा कोर्ट के बाहर मौजूद है। हम फैयाज अहमद खान साहब से जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या हुआ। देखिए, यहाँ पर जो मामला है एक बच्ची की के साथ जो बदसलूकी हुई, जो उसके साथ पे गलत काम हुआ, उसका मामला है। जैसा कि यह बच्चे ने बताया है कि किसी तरीके से अज़ियत पहुँचाई गई, तो मेरा एक ही कहना है कि पुलिस समाज की रक्षा के लिए, और रक्षक जो है भक्षक बन जाएगा तो कैसे समाज चलेगा। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और मुंबई पुलिस कमिश्नर निवेदन है कि इस केस को फास्ट ट्रैक में ले जाएं आप, और जैसे उसका निपटारा करें। जहाँ तक अब्दुल हमीद साहब की बात है, रफत हुसैन की बात है, ये तो इसकी मदद के लिए आए थे, और जो पीड़ित लोग हैं उसके मुझे कोई भी आ सकता है, चाहे MIM पार्टी या कोई दीगर पार्टी भी आ सकती है, उसी को आपने मुजरिम बना दिया। जो आपसे सहायता मांग रहा है वो मुजरिम हो गया, जो मुजरिम है उसका सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, तो मैं इस चीज़ का कायल नहीं मेरा भाई, और समाज में ऐसी कोई भी भावनाओं को प्रकट हुए देंगे नहीं हम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने तौर पर एक जमात है, और जमात हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ेगी, हर बहनों के साथ बच्चों के साथ जमात खड़ी है। और जो बच्ची के साथ में हुआ बहुत ही गलत काम हुआ, आज 14 साल की बच्ची, क्या उम्र है उसकी, 15 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, उससे माँ बाप से मिलने नहीं दिया जा रहा उसको, माँ बाप को डांटा जा रहा वहाँ पर, किस दहशत के माहौल में होगी हम समझ सकते हैं जी, उसका क्या किस माहौल में होगी। और जब लास्ट डे आई चौकी में, इसको ले गए आप कहाँ पर, उसका कोई पता नहीं दिया मेरा भाई। तो ये तरीका क्या है, कानून है कि नहीं इस देश में? लगता है कि दिल्ली, यहाँ दिल्ली UPI अकाउंट यहाँ पे चल रहा है। सुनने में आया कि उसको चिल्ड्रेन होम लेके गए हैं, मुझको नहीं पता है समझे ना, क्योंकि मैंने कल DCP से बात किया था, मेरी बहन भी साथ में थी, मैंने कहा कि लड़की कहाँ है सर, वो लड़की सुरक्षित है हमारे ताबे में। मैंने पता नहीं बता रहे कहाँ रखा उन्होंने। तो सर लड़की, मैंने कहा लड़की क्या करेंगे सर, आप बताइए आप मुझको। बोले आपको क्यों बताएं, हम उसके भाई को बताएंगे। हम किस तरह से रूडली उन्हें बिहेव किया, फिर उसके भाई को हमने भेजा वहाँ पर, हाँ उनसे भी रूडली बिहेव किया गया। तो ये पुलिस का एक चलन बन चुका है, सोच बन चुकी है, समझे ना, जहाँ द्वारी टुकड़ा देखो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ आप। तो आज जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस काम को पूरी तरीके से ली है, और हम अपने कामों पर अपने उस पर ध्यान देंगे इंशाल्लाह, और बच्चे को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मामले पर इस बच्ची के लिए, और जो MIM के मेंबरान के साथ में जो बदसलूकी हुई है, और जैसे कि आप लोगों का कहना है कि उन पर एक खोटा केस बनाया गया है, फर्जी केस बनाया गया है, FIR किया गया है, इस पर आप लोग आगे क्या कदम बढ़ाएंगे? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कहीं चोरी होती है, मर्डर होता है या कुछ होता है, अपन CCTV फुटेज देखते हैं ना, चौकी में CCTV फुटेज है ना,
आप वो देखते फिर आप फैसला करते। उठा के डायरेक्ट केस बुक कर दिया आपने, उनको मारा भी आपने, हाँ ये कोई तरीका नहीं है, ये इंसाफ का तरीका नहीं है, ये कानून का तरीका नहीं है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए आज हमको वही अजियत पहुँचाएगी तो कैसे चलेगा। फयाज खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार और प्रवास फाउंडेशन की चीफ सादिया मर्चेंट जी। सादिया मर्चेंट जी, जैसे कि सामने बात आ रही है कि पुलिस ने जो है यहाँ पर भाई को मिलने नहीं दिया, एक मासूम जो 14 साल की है उसके साथ में यानी उसकी हिफाजत के लिए मामूर उसकी फैमिली होती सबसे बड़ी जो भरोसा होता है, और पुलिस उनसे ही नहीं मिलने दे रही है। और साथ ही साथ इस तरह से जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं या समाज के जिम्मेदार हैं वो जो आपसे पुलिस से बात करते आके तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है ना कि उनसे अच्छे से बात करें, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ राशिद भाई, देखिए सबसे अहम सवाल इस पूरे मामले में ये होता है कि जब किसी बच्ची के साथ बदसलूकी की गई है या उसकी अस्मत दरी का मामला सामने है तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक मामला है। और ऐसे मामले में जब एक भाई अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस के पास जाता है तो पुलिस का ये फर्ज बनता है, ये जिम्मा बनता है कि आपके जो प्रोटोकॉल है, आपके जो रूल्स है आप उनको बताएं, ताकि उनको ये चीज़ इल्म में रहे कि भाई पुलिस अपनी तरफ से स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई करेगी। इस पूरे मामले में जैसे कि आपने अल्ताफ की जुबानी सुना कि उस बच्चे अपनी बहन को जस्टिस दिलाने के लिए जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस उनसे बदसलूकी करती है, बदजबानी करती है, बदतमीजी करती है। अब जब यही मामले में दो लोग जो इंसानियत का एक अहम फरीजा अदा कर रहे हैं और वो वाकई मैं तो कहती हूँ कि मुबारक के मुश्तहिक है हाजी अब्दुल हामिद साहब और ये रफत साहब के, जिन्होंने हिम्मत की किसी का साथ देने की और हक पर बोलने की। आज आप देखते हैं कि ऐसा दौर है कि लोग अपनों का साथ भी नहीं देते, लेकिन वो लोग किसी बच्ची के लिए इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन जाते और पुलिस से सिर्फ यही सवाल करते हैं कि भाई बच्ची को इतनी देर रात तक आप लोगों ने बिठा के क्यों रखा है। बदले में ये होता है कि पुलिस उनको प्रोवोक करती है, उनसे बदतमीजी करती है और उन पर ये केस लगा देती है कि भाई इन्होंने ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाए। तो अगर ये सारे मामला हुए हैं तो देखिए हर चीज़ का, जैसे कि फैयाज भाई ने बताया कि खून हो या कोई भी मामला हो, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज एक ऐसा एविडेंस है जो आपको सारी हकीकत बता देता है। तो हमारी मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस से, हमारी सीएम साहब से, हमारी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस से और उन सभी जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है, मैं अपना जुमला फिर दोहरा रही हूँ कि जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है उनसे हम यही मांग कर रहे कि एक भाई को और उसकी बहन को जिस नाबालिग बच्ची के साथ, आप सोचिए कि वो बच्ची किस डिप्रेशन में, किस जहनी तनाव में कि ना सिर्फ उसको अपने घर वालों से मिलने दिया जा रहा है बल्कि उस बच्ची को कहाँ भेज दिया गया। अब ये हम लोगों को भी पता नहीं है कि वो बच्ची चिल्ड्रन होम में है या कहाँ पर है, ये किसी को नहीं पता। तो उस बच्ची की क्या कैफियत होगी? ऑलरेडी उस बच्ची पर इतनी अजियत से गुजर चुकी है और ऐसे हालात में इस तरीके का मामला होता है तो हमारी हाथ जोड़कर एक परवाज़ फाउंडेशन की प्रेसिडेंट के नाते नहीं, इंसानियत के नाते हमारी सीएम साहब से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि इस पूरे केस में निष्पक्ष मतलब पूरी ईमानदाराना जांच हो और जो इस बच्ची के कसूरवार है उनको फास्ट ट्रैक अदालत में पेश किया जाए, उस बच्ची को इंसाफ मिले और जहां पे हाजी अब्दुल हमीद साहब की और रफत साहब की बात है तो उन लोगों का भी जो मामला है पुलिस उसमें भी ईमानदाराना जांच करे। क्योंकि देखिए कहते हैं कि हजार जो कसूरवार है वो छूट जाए लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो हमारी यही मांग है इंसानियत के नाते सीएम और कमिश्नर से कि इस दोनों मामले में निष्पक्ष ईमानदाराना जांच और जल्द से जल्द जो कसूरवार है उनको सजा मिले। जो अंकित और करण है ऐसे लगता है फैयाज खान साहब उनको बचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए जहां तक करण और अंकित की बात है मैं नहीं जानता कौन ये, लेकिन दोनों शब्द जो है पुलिस के एफआईआर के अंदर मुजरिम है। अभी किस पार्टी से किस संगठन से मैं नहीं जानता, लेकिन जो हिसाब से पुलिस के मूवमेंट चल रहा है और जिस तरह से काम कर रही है इसमें 100% श्योर है
कि ये लोग उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ स्टेटमेंट के अंदर हदबदल कर सकें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता आपको कि हाजी हमीद और हाजी रफत पे जो है केस बनाकर इसको केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है और आप लोगों को डराने की कोशिश की गई है कि इस मामले में कोई और आवाज़ ना उठाए, तो क्या आप इससे खौफजदा है या डर जाएंगे आप लोग? देखिए मेरा भाई, ये पूरे समाज को मैसेज देने का काम कर रही है कि जो भी समाज का व्यक्ति ऐसे मौके पर आगे आएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन समाज डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है और समाज मजबूती से इसके परिवार साहब में खड़ा रहेगा, रफा हुसैन साहब में खड़ा रहेगा, अब्दुल हमीद साहब खड़ा रहेगा। MIM पार्टी क्या करेगी? MIM पार्टी जो लीगल तौर पर जो बैटल है वो फाइट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामना और फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल से बात करने के लिए। हमारे साथ एक साहब और मौजूद है, आपका नाम? एडवोकेट आरिफ भाटी। आरिफ भाटी साहब, पूरे मामले में इस केस में आप एडवोकेट हैं? जी जी। आइए हम बात करते हैं इस पूरे मामले में जो एडवोकेट है आरिफ भाटी साहब, उनसे हम बात करते हैं। वो एकदम सही लीगल तरीके से जो बात हो सकती है, जो कानून जो कहता है, वो सारे मुद्दों पर मसलों पर बात करेंगे हमारे साथ में। जी भाटी साहब जी बोलिए। पूरा मामला क्या है और किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? ऐसा है कि लड़की को 3 सितंबर से इन्होंने अपनी कस्टडी में रखा है, जैसे कि वो खुद आरोपी हो, वो विक्टिम है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है, गैंग रेप को छुपाने के लिए, क्योंकि असल में वो नशे की हालत में उससे रेप किया गया, तो उसको सिर्फ अंदाज़ा है, कुछ लोग थे, ज़्यादा लोग थे, लेकिन वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करते हुए उस मामले को दबाते हुए इन लोग ने इस मामले को नया रूप दे दिया कि वो चीज़ सामने ना आए, क्योंकि लड़की मुस्लिम है और उन लोग हिंदू लोग हैं। ऐसा है, मजहब और धर्म का मामला भी आ रहा है और एक धर्म के खास लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसका स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कर रहे जानबूझ के छुपाने के लिए, क्योंकि उसको ड्रग की हालत में उसके साथ गलत काम हुआ है। पुलिस ने रिपोर्ट में क्या लड़कों को नशे में बताया है? ले रहे वो स्टेटमेंट, लड़की बता रही है अपने भाई को, हम लोग को भी बता रही, लेकिन इनका स्टेटमेंट नहीं ले रहे, रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। आपसे ये जानना चाहते हैं कि FIR जो बनाई गई है उसमें ये दर्ज किया गया कि लड़की को नशा के पाउडर वगैरह दिया गया? नहीं दर्ज किया। इसी मुद्दे को लेके हमारे MIM की पार्टी के लोग गए थे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, उनको उन्होंने प्रोटोकॉल समझाया नहीं क्या है क्या नहीं, इतनी आसानी से समझाते तो ये बात ही ना होती। जैसे विक्टिम का कहना है, लड़की का कहना है कि मेरे साथ में रेप हुआ है, तो जो हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट है उसमें दर्ज है कि इसके साथ में रेप हुआ है? जी रिपोर्ट में दर्ज है। जी दर्ज होता है तो फिर उसमें तो कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है? साबित करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो जो आरोपी है उनको अरेस्ट करना तो जरूरी है, जिन्होंने गुनाह किया उनको अरेस्ट करना जरूरी है। कितने गुनहगार हैं अभी तक अरेस्ट नहीं हुए? दो आरोपी अरेस्ट हुए, बाकी लोग अरेस्ट नहीं हुए, उनका नाम रिकॉर्ड पे भी नहीं आने दे रहे उन लोग। हम ऐसा चाहते थे कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड होके उनका नाम सामने आए। आपको लगता है इसमें कोई संगठन या कोई सियासी पार्टी का हाथ है जो इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बोल नहीं सकते इस बारे में, बोल नहीं सकते, हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामना मीडिया और फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल से बात करने के लिए। ये थी दोस्तों यहाँ की इस पूरे केस की, वाकोला पुलिस का जो केस हुआ है उसकी ये हमने बात की यहाँ पर जिम्मेदारों से। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ आप अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे और हमारी इस कोशिश को कामयाब करने के लिए कि हमने समाज के इस मुद्दे को उठाया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, उसको शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों में जागरूकता पैदा करने का काम करें। कैमरा पर्सन शायन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।